हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नई नियमावली से प्रदेश में नियुक्त होंगे 1288 लाइब्रेरियन। इस साल राज्य के 893 उच्च माध्यमिक विद्यालयों और 300 अंगीभूत महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा के लिए नियमावली तैयार कराई जा रही है। अभी तक अंगीभूत महाविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय सहायक के पद पर विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्ति की जाती है। इस पर सरकार ने रोक लगा दी है। नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को यह जिम्मेदारी जो है दी गई है। इसी तरह बिहार के उत्क्रमित विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए नीति बनाई जा रही है। सभी उत्क्रमित स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर प्रधानाध्यापक होंगे। पूर्व के मध्य विद्यालयों और उत्क्रमण के बाद उच्च विद्यालयों के लिए अलग अलग प्रभारी होंगे। एक प्रधानाध्यापक होंगे जो परिसर के दोनों स्कूलों का प्रशासनिक काम देखेंगे। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में बढ़ेगी सीटें। उच्च शिक्षा में नामांकन दर बढ़ाने के लिए सरकार अंगीभूत महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सीटें बढ़ाने की तैयारी में है। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ सीटें बढ़ेगी, लेकिन इसके लिए तय फॉर्मेट में यूनिवर्सिटी और कॉलेज को प्रस्ताव देना होगा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय और मुंगेर विश्वविद्यालय में भी पीजी की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। तो नई नियमावली के अनुसार जो है 1288 लाइब्रेरियन जो है उच्च माध्यमिक इस विद्यालय जो है उसमें, और 300 अंगीभूत महाविद्यालय है उसमें लाइब्रेरियन की नियुक्ति जो है होगी। इसमें जो है नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को जो है जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड तमाम तरह की न्यूज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।